अब दोस्तों आप लोग 20,000 के अंदर एक जबरदस्त लेवल का स्मार्टफोन परचेज कर सकते हो, बट अभी के टाइम पे 20,000 के अंदर हर एक स्मार्टफोन कंपनी की तरफ से एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन मिल जाएगा। इसीलिए आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कौन सा स्मार्टफोन या कौन सा स्मार्टफोन मैंने की तरफ जाना चाहिए। तो मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोनों को सिलेक्ट किया है जो आप लोग 20,000 के अंदर परचेस कर पाओगे। और दोस्तों ये सारे स्मार्टफोन में पावरफुल लेवल का परफॉर्मेंस के साथ साथ टॉप नॉइज लेवल का डिजाइन देखने को मिल जाएगा, कर्व डिस्प्ले के साथ अच्छा खासा कैमरा मिलेगा ओएस के साथ, जिससे आप लोग 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, और बाकी सारे स्पेसिफिकेशन टॉप नॉइज लेवल का दिया गया है। और गाइस हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पे आता है मोटोरोला G84 5G। मोटोरोला की तरफ से एक स्टॉक एंड्रॉइड क्लीन यूआई एक्सपीरियंस के साथ आने वाला स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो ये स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.55 इंच का फुल एचडी प्लस पीओलेड डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को। 1300 nit पीक ब्राइटनेस HDR 10 प्लस का सपोर्ट, 10 बिट कलर डिस्प्ले मिल जाता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। और परफॉर्मेंस की बात किया तो क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 695 का 5G चिपसेट मिल जाता है, जो 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। फुल लॉक का ऊपर एंड्रॉइड स्टोर निकल के आता है, 14 5G का सपोर्ट दिया गया है। ये स्मार्टफोन में अच्छा खासा गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। और कैमरा का बात की है तो स्मार्टफोन का पीछे डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा ओएस के साथ और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 1080p पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, कैमरा क्वालिटी अच्छा देखने को मिल जाता है। और 5000 mAh की बैटरी दिया गया है, जो कि सपोर्ट करता है 33W फास्ट चार्जिंग को। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा, LPDDR4XM UFS 2.2 स्टोरेज टाइप दिया गया है। और डॉल्बी एटमॉस की तरफ से टीरो स्पीकर मिल जाता है। और प्राइस की बात की तो 12GB RAM 256GB वाला वेरिएंट आप लोगों को 18,999 rupees में मिल जाएगा, डिस्काउंट के टाइम पे ये स्मार्टफोन 17,000 के अंदर मिलेगा। नंबर 4 पे आता है इन्फिनिक्स GT10 Pro। 20,000 के अंदर एक अल्टीमेट गेमिंग स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो तो ये स्मार्टफोन के तरफ देख सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.67 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले आता है, जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को। 9000 nit पीक ब्राइटनेस HDR 10 प्लस का सपोर्ट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। और फाइनली परफॉर्मेंस का बात कर लेते हैं। मीडिया टेक की तरफ से डायमेंसिटी 8050 का 5G चिपसेट रहती है, जो 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर में बेस्ड है। 7 लाख का ऊपर एंड्रॉइड स्कोर, 14 5G का सपोर्ट मिलता है। ये स्मार्टफोन में फ्लैगशिप लेवल का गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगा। और कैमरा का बात किया जाए तो पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 4K वीडियो 30fps पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे, कैमरा क्वालिटी डिसेंट देखने को मिलता है। 5000 mAh की बैटरी मिलता है, जो कि सपोर्ट करता है 45W फास्ट चार्जिंग को। स्मार्टफोन में IP53 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग, NFC FM रेडियो, 3.5mm ऑडियो जैक मिलता है। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा, XOS पे बेस्ड है, डिजाइन जबरदस्त देखने को मिलता है। LPDDR4X RAM, UFS 3.1 स्टोरेज। फाइनली स्मार्टफोन का प्राइस का बात कर लेते हैं। 8GB RAM, 256GB मेमोरी मिल जाएगा 19,999 rupees में। नंबर 3 पे आता है लाभा अग्नि 2। दोस्तों 20,000 के अंदर इंडियन वेन की तरफ से एक अच्छा कर्व डिस्प्ले स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो ये स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। डिस्प्ले का बात की जाए तो 6.78 इंच का फुल एचडी प्लस 3D कर्व एमोलेड डिस्प्ले आता है, जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को। 950 nit पीक ब्राइटनेस HDR 10 प्लस का सपोर्ट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट मिल जाता है। और परफॉर्मेंस का बात किया जाए तो मीडिया टेक की तरफ से डायमेंसिटी 7050 का 5G चिपसेट आता है, जो 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। 5,50,000 के करीब एंड्रॉइड स्कोर निकल के आता है। ये स्मार्टफोन में पावरफुल लेवल का गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और कैमरा का बात किया जाए तो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 4K वीडियो 30fps पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे, कैमरा क्वालिटी डिसेंट मिल जाती है। और 4700 mAh की बैटरी मिल जाता है, जो कि सपोर्ट करता है 66W फास्ट चार्जिंग को। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा, 13 5G का सपोर्ट मिल जाता है। और स्मार्टफोन का डिजाइन बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है, LPDDR4X RAM, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप। फाइनली स्मार्टफोन का प्राइस के बाद किया जाए, 8GB RAM, 256GB मेमोरी मिल जाएगा
19,999 रुपीस में। नंबर टू पे आता है पोको X6, 20,000 के अंदर एक अल्टीमेट लेवल का स्मार्टफोन चाहिए जो डेफिनेटली पोको X6 की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.67 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को। 1800 निटपिक ब्राइटनेस मिल जाता है, डॉल्बी विजन का सपोर्ट, HDR 10 प्लस का सपोर्ट, 12 बिट कलर डिस्प्ले के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट दिया गया है। और परफॉर्मेंस की बात की तो क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 का चिपसेट मिल जाता है जो 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे बेस्ड है। 6 लाख के ऊपर एंड्रॉइड स्कोर निकल गया है, 10 5G का सपोर्ट दिया गया है। LPDDR4X RAM, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में आप लोगों को गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल जाएगा। और कैमरा का बात किया तो पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है OIS के साथ, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा है, 2 मेगापिक्सल मैक्रो और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 4K वीडियो 30fps में रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी अच्छा देखने को मिल जाता है। 5100 mAh की बैटरी दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है 67 वाट फास्ट चार्जिंग को, 0-100% चार्ज 44 मिनट में करके देगा। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा, MIUI 14 पे बेस्ड है। आयर ब्लास्टर का सपोर्ट, IP54 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग मिल जाता है। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। और प्राइस की बात की तो 8GB रैम 256GB का वेरिएंट 21,999 रुपीस में मिल जाएगा, डिस्काउंट लगा के 20,000 के अंदर मिलेगा। नंबर वन पे आता है इन्फिनिक्स 030। गाइस आप लोग इन्फिनिक्स की तरफ से एक अच्छा कर्व डिस्प्ले के साथ साथ ब्लॉगिंग करने के लिए एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो तो ये स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.78 इंच का फुल HD प्लस 3D कर्व एमोलेड डिस्प्ले आता है जो कि सपोर्ट करता है 144Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट को, 950 निटपिक ब्राइटनेस, HDR 10 प्लस का सपोर्ट, उसके साथ साथ गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। और परफॉर्मेंस का बात किया जो मीडिया टेक की तरफ से डायमंडी 8020 का 5G चिपसेट आता है जो 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर में बेस्ड है। 7 लाख का करीब एंड्रॉइड स्कोर, 14 5G का सपोर्ट मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में पावरफुल लेवल का गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और कैमरा की बात की जाए तो पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा है, 2 मेगापिक्सल का डेप और 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा में OIS का सपोर्ट मिल जाती है, फ्रंट एंड रियर दोनों ही कैमरा से 4K वीडियो 60fps पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी अच्छा देखने को मिल जाता है। और ये प्राइस सेगमेंट के अंदर कोई भी स्मार्टफोन में फ्रंट एंड रियर दोनों ही कैमरा से 4K वीडियो 60fps पे रिकॉर्डिंग नहीं मिलता है। 5000mAh की बैटरी मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 68W का फास्ट चार्जिंग को, 0-80% चार्ज 30 मिनट में करके देगा। NFC, FM रेडियो, डुअल स्टीरियो स्पीकर, IP53 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग मिल जाती है, LPDDR4X RAM, UFS 3.1 स्टोरेज। और प्राइस की बात की जो 8GB RAM 256GB वेरिएंट अभी के टाइम पे 22,000 के अंदर मिल जाएगा, डिस्काउंट लगा के 20,000 के अंदर मिलेगा।